अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चेट्टीनाड स्टाइल चिकन फ्राई या चिकन रोस्ट की मज़ेदार रेसिपी सिखा रही हूँ। अगर आपको टेस्टी वेजिटेरियन रेसिपी सीखना हो तो मेरे चैनल वेज विद फेम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। वेज विद फेम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चेटिनार स्टाइल चिकन रोस्ट या चिकन फ्राई के लिए मैं आधा किलो चिकन ले रही हूँ। चिकन के आप पीसेस थोड़ा छोटे ही रखिए, क्योंकि हम इसे थोड़े से बटर में ही रोस्ट करेंगे बिना पानी डाले। ये अगर आप छोटे रखेंगे पीसेस तो इन्हें गलने में और पकने में आसानी हो जाएगी। मैं इसमें थोड़ा सा क्रश किया हुआ काली मिर्च डाल देती हूँ। आप नॉर्मल काली मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह क्रश किया हुआ काली मिर्च डालने से फ्लेवर्स बहुत अच्छे आएंगे। ये करीब आप आधा टीस्पून या एक टीस्पून डालें। हल्दी आधा टीस्पून, नमक आप जितना चाहे डाल सकते हैं, आधा किलो चिकन को जितना लगेगा आप उतना डालिए। आधे नींबू का जूस। नेक्स्ट हम इसमें 2 या 3 चुटकी यानी 1/4 टीस्पून कुकिंग सोडा ऐड करेंगे। कुकिंग सोडा वही है जो हम डोसा या इडली में यूज करते हैं। कुकिंग सोडा और जो लेमन है, लेमन जूस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से चिकन बहुत ही स्मूथ बनेगा। इसे मैं ऐड कर देती हूँ। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इन्हें मिक्स करने के बाद हम चिकन को मैरिनेशन के लिए एक आधे घंटे के लिए रख देते हैं। अब हम बाकी मसालों की तैयारी शुरू करते हैं। 8 सूखी लाल मिर्च, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, उसे बारीक कट करके रख लें, 6 लहसुन के कलियां, आधा टीस्पून जीरा, 2 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज प्याज, इसको आप थोड़ा मोटा मोटा ही कट कर लें, थोड़ा सा करी पत्ता यानी करियपाक। अब हम इन सभी को ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे पीस सकते हैं। देखिए मसाला ग्राइंड होके बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें करीब 1 टीस्पून चावल का आटा ऐड कर देती हूँ। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। चावल का आटा ऐड करने से ये जो मसाले हैं चिकन को अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। अब हम इसमें चिकन के पीसेस डाल देते हैं। चिकन के पीसेस डालने के बाद फिर से हम चिकन को इन मसालों में मिक्स कर लेते हैं। चिकन मसालों में मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे मैरिनेशन के लिए रख देती हूँ करीब 2 या 3 घंटों के लिए। जितनी देर ये मैरिनेट होगा उतना ही अच्छा बनेगा। अगर आपको इसमें तीखापन कम चाहिए तो आप लाल सूखी मिर्च 5 या 6 डालें और साथ ही थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल दें, तो इसका कलर भी आ जाएगा और तीखापन भी कम होगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा एग वाइट भी ऐड कर सकते हैं, ताकि फ्राई करते वक्त यानी रोस्ट करते वक्त मसाले चिकन से अलग ना हो। आप इस वक्त नमक भी चेक करने चाहें तो आप थोड़ा डाल सकते हैं। एक पैन में हम थोड़ा सा बटर मेल्ट कर लेते हैं। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस को धीरे से डाल देती हूँ। एक वक्त में हम थोड़े थोड़े पीसेस करके ही रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम को लो कर देते हैं और इसे ऐसे ही 1-2 मिनट के लिए हम पकने देंगे। इस पे लिड बंद कर दें। 2 मिनट के बाद हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। ऐसे ही करके सभी पीसेस में टर्न कर लेती हूँ। सभी पीसेस मैंने टर्न कर लिया है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। फिर से अब हम इन्हें लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी टर्न करके देख लेते हैं। देखिए इस साइड भी ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये जल्दी भी गल जाएंगे, क्योंकि हम इसे 3 घंटों के लिए मैरिनेट किया है और साथ ही मैंने इसमें कुकिंग सोडा भी ऐड किया है। कुकिंग सोडा डालने से बहुत जल्दी हमारा चिकन स्मूथ हो जाएगा। देखिए अब ये फर्स्ट बैच हमारा तैयार है। ऐसे ही करके मैं बाकी पीसेस भी फ्राई कर लेती हूँ।
हमारा सेकेंड बैच फ्राई हो रहा है, तब तक मैं आपको फर्स्ट बैच का जो चिकन हमने फ्राई किया वो दिखा देती हूँ। देखिए कितना स्मूथ है ये। बस 3 से 4 मिनट इस तरह इस साइड फ्राई कर लें और टर्न करके फिर से 3 से 4 मिनट फ्राई कर लें। ये बिल्कुल बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, स्मूथ जूसी भी बनेगा। हमारा सेकेंड बैच भी अब ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी लग रहा है, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। अगर फ्राई करते वक्त आपके मसाले अलग हो रहे हैं तो आप बाकी जो चिकन है उसमें थोड़ा सा एग वाइट डाल दें। एग वाइट डाल के मिक्स करने से मसाले अलग नहीं होंगे। मजेदार चेटिनाड चिकन फ्राई या चिकन रोस्ट अब तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।